Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the amalgamation purchase consideration. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं. बेसिकली अमालगमेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो है परचेस कंसिडरेशन. इफ़ यू आर एबल टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन करेक्टली, यू कैन ईजीली गेट फुल 15 मार्क्स इन द केस ऑफ अमालगमेशन. बिकॉज मैंने ऑलरेडी वीडियोज डाले हुए हैं जिसमें आप अमालगमेशन के बेसिक एंट्रीज देख सकते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट किस तरीके से बनाए वो भी देख सकते हैं. लेकिन ये दोनों चीज़ें आपकी राइट कब होगी, जब आपका परचेस कंसिडरेशन राइट होगा. सो परचेस कंसिडरेशन ये कैसे सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे. हाउ टू सॉल्व द परचेस कंसिडरेशन वी विल बी सीइंग नाउ, एंड आई विल बी सॉल्विंग वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सो दैट यू कैन ईजिली गेट क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ अमालगमेशन. सो हियर इज द क्वेश्चन. A Limited acquired B Limited and provides the following details. B Limited का आपका आपको details दिया गया है. A Limited ने B Limited को acquired कर लिया. So A Limited acquired B Limited. तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि old company और new company. तो यहाँ पे बोल रहा है कि A Limited ने acquired कर लिया B Limited को. तो ए एक्वायर्ड कर रहा है, तो ए विल बी न्यू कंपनी एंड बी विल बी ओल्ड कंपनी. तो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है कि हम परचेस कंसिडरेशन हमेशा ओल्ड कंपनी का ही ढूंढते हैं. सो पीसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी. क्योंकि लिए आपको क्वेश्चन पेपर में दो दो बैलेंस शीट में दो कॉलम्स दिए जाएंगे, ए का भी दिया जाएगा बी का भी दिया जाएगा. तो स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि हम ए की अमाउंट लें या बी की अमाउंट लें. तो अगेन आई रिपीट, आपको याद रखना है परचेस कंसिडरेशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ ओल्ड कंपनी, इसीलिए आपको ओल्ड कंपनी का ही अमाउंट वहां पे लेना है. अब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं. इक्विटी शेयर्स है फेस वैल्यू ₹10 ईच और अमाउंट दिया है ₹2 लाख. 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, अमाउंट दिया है ₹4 लाख. अब बोल रहा है ए लिमिटेड विल इशू टू इक्विटी शेयर्स. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेट अस रीड इट प्रॉपरली. ए लिमिटेड विल इशू, कितना इशू करने वाला है? टू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. सो ए लिमिटेड कितना शेयर इशू कर रहा है? 2 शेयर इशू कर रहा है ₹10 का शेयर्स इशू कर रहा है 10% के प्रीमियम में और 4 शेयर्स हेल्ड के बदले में. Then 9% preference shares are issued equal number of 10% preference shares at 5% premium. तो preference shares के बदले में preference shares ही issue हो रहा है लेकिन premium में issue हो रहा है. अब preference shares और equity shares ये दोनों को हम calculate करने वाले हैं और उस base पे हमारा purchase consideration होगा. So आइए देखते हैं किस base पे purchase consideration हम calculate करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हेल्ड और इशूड देखना है. हेल्ड इज टू इशूड. सो हेल्ड और इशूड हमको लिखना है. तो आपका अगर हम पीछे का वर्किंग नोट देखें तो कितने शेयर्स थे? 2 शेयर्स हम इशू करने वाले हैं 4 शेयर्स के बदले में. तो 4 हेल्ड होगा, इशूड बन जाएगा 2. तो 4 के बदले में 2. हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल था ₹2 लाख. तो अगर आप 2 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा 20,000. तो 20,000 के बदले में कितना मिलना चाहिए? 4 के बदले में 2 मिलेगा तो 20,000 के बदले में कितना मिलना चाहिए? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंगली और उस बेस पे आपको आंसर मिलेगा 10,000. कितने शेयर्स मिलेंगे? 10,000. तो 10,000 हम इक्विटी शेयर्स देंगे ₹10 ईच. तो 10,000 ₹10 का मतलब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख. लेकिन इसके ऊपर प्रीमियम भी है.
लेट अस चेक, एक बार चेक कर लेते कितना परसेंट प्रीमियम है। देखो फिर से एक बार आपको बताता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। कितना शेयर इशू कर रहा है? 2 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 10 रुपीज़ का, 10% प्रीमियम में फॉर 4 शेयर्स हेल्ड। तो 4 शेयर्स के बदले में हम 2 शेयर्स दे रहे थे, तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 2 लैक्स, मतलब फेस वैल्यू 10 है तो 20,000 शेयर्स हो गए। तो 20,000 के बदले में कितना शेयर्स दिया जाएगा? तो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा कि 10,000 शेयर्स दिया जाएगा, लेकिन प्रीमियम कितने का है? 10% का प्रीमियम है। तो 10% का प्रीमियम हमें कैलकुलेट करना है। देखो आंसर हमें कितना मिला था? हमें आंसर मिला था 1 लाख। फाइन, 1 लाख पे अगर हम 10% का प्रीमियम ऐड करें, 1 लाख पे 10% विल बी 10,000। तो आपको इक्विटी का सेटलमेंट कितना मिलेगा? 1,10,000। ये आपका इक्विटी का सेटलमेंट है। रेशो याद रखने के लिए, रेशो में हमारा गड़बड़ ना हो इसीलिए याद रखना है, पहले हेल्ड आता है और बाद में फिर इशूड आता है। तो पहले हेल्ड आएगा फिर इशूड आएगा, तो इसलिए रेशियो था 4:2। तो हमको इक्विटी को कितना देना पड़ेगा? 10,000 शेयर्स देने पड़ेंगे 10 रुपीज़ के। तो हमको आंसर मिल रहा है 1 लाख रुपीज़, और उस पर हमने अगर 10% का प्रीमियम प्लस किया तो 10,000। दैट मीन्स इक्विटी का सेटलमेंट अगर पूरा देखे तो इक्विटी का सेटलमेंट कितना हो रहा है? इक्विटी का सेटलमेंट हो रहा है 1,10,000। फाइन, अभी हम प्रेफरेंस का देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड इक्वल नंबर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। सो क्या करना है? 9% के बदले में सिर्फ 10% देना है, लेकिन इक्वल नंबर देना है और 5% के प्रीमियम में देना है। तो ये काफी इजी है, आपको ऊपर जो डिटेल्स दिए है वही चेक करने। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 4 लाख रुपीज। तो अगर हम 4 लाख को 100 से डिवाइड करें तो हमें आएगा 4,000 शेयर्स। ठीक है, 4,000 शेयर्स हम उनको देंगे क्योंकि लिए उनको इक्वल नंबर का देना बोला है। 4,000 शेयर्स देंगे, लेकिन 9% के बदले में हम कितना परसेंट देंगे? हम उनको 10% देंगे। तो 9% के बदले में वी विल बी गिविंग देम 10%। तो आइए कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से होगा। सो 9% के बदले में 10% देंगे, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी कैलकुलेटिंग। तो 4,000 कॉमा 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 4 लाख। और इस पे प्रीमियम बोला है तो ऐड प्रीमियम, 5% का प्रीमियम बोला है। तो 4 लाख का 5% अगर हम ढूंढे तो आएगा 20,000, क्योंकि ले 4 लाख का 10% 40,000 उसका आधा। तो कितना बन जाएगा प्रेफरेंस का पेमेंट? 4,20,000। काफी इजी है, जितने प्रेफरेंशियस क्वेश्चन में है वही लेने हैं, सिर्फ उसमें हमें प्रीमियम प्लस करना है और ये परसेंटेज को चेंज करना है, बाकी कुछ करना नहीं है प्रेफरेंस में। तो 4,20,000 हमको प्रेफरेंस का आंसर मिला। इक्विटी का आंसर इसके पहले ढूंढा था, कितना आया था इक्विटी का आंसर? 1 लाख आया था, 1 लाख प्लस हमने 10% प्रीमियम प्लस किया, तो 1,10,000 ये आंसर था हमारा इक्विटी का। और प्रेफरेंस का अभी अभी आपने आंसर ढूंढा, दैट इज 4,20,000। सो 4,20,000 ये हमारा प्रेफरेंस है, 1,10,000 ये हमारा इक्विटी है। अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5,30,000, दैट इज योर परचेस कंसिडरेशन। सो ये है हमारा परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन, आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बट बेसिकली हमको जो आंसर मिलने वाला है वो राइट होना चाहिए। पहले इक्विटी लेना है, इक्विटी में रेशियो से कैलकुलेट करना है, फिर प्रेफरेंस लेना है, प्रेफरेंस नॉर्मली इक्वल नंबर दिया जाता है उसको इक्वल नंबर के बेस पे सेम लेना है, और प्रीमियम प्लस करना है। फिर इक्विटी का आंसर और प्रेफरेंस का आंसर दोनों हमें प्लस करने हैं तो हमें परचेस कंसिडरेशन मिल जाएगा। एंड दिस इज द कैलकुलेशन एज पर द नेट पेमेंट मेथड। तो नेट पेमेंट मेथड अगर है तो आपको इस बेस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपका जो पर शेयर का प्रीमियम का वैरायटी है वो भी इसमें
क्लियर कर रहा हूं, दो वैरायटीज है, एक होता है परसेंटेज प्रीमियम, एक होता है पर शेयर प्रीमियम। एक्स लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब बाय वाई लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना सेंटेंस, एक्स लिमिटेड वॉज एब्जॉर्ब बाय वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाई लिमिटेड ये न्यू कंपनी है, एक्स ओल्ड है, ध्यान से हाँ, क्योंकि ये वॉज एब्जॉर्ब है। एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, तो एक्स का बैलेंस शीट नीचे दिया है, इक्विटी शेयर्स कैप ऑफ ₹10 इज 3 लाख दिया है, देखो 3 लाख 10 का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 30,000 होंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इच अमाउंट 5 लाख, 5 लाख को 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 5,000 होंगे। अब रेशियो ध्यान से, वाई लिमिटेड विल इशू 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच एट ₹12, देखो यहाँ पर शेयर का प्रीमियम है, 10 और 12 है तो हमें परसेंटेज नहीं है, 10 और 12 का डिफरेंस कितना, 2, तो ₹2 का प्रीमियम आएगा इस पर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, तो आपको रेशियो दिया है 1 इक्विटी शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड, तो मैंने आपको बताया था हेल्ड हमेशा पहले आता है और हेल्ड के बाद ही इशू आता है, तो 3:1 का रेशियो बन जाएगा, काफी इजी है रेशियो गिनना, पहले हेल्ड आएगा फिर इशूड आएगा, तो हेल्ड पहले आएगा फिर इशूड लिखना है, तो हेल्ड कितना, हेल्ड 3 है इशूड 1 है। प्रेफरेंस में भी वैसा ही है, प्रेफरेंस में दे रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 11% प्रेफरेंस शेयर, 100 का 150, तो देखो 100 और 150 का डिफरेंस कितना है, 50, तो यहाँ पे 50 का प्रीमियम हो जाएगा। तो अभी हम इसी के बेसिस पे परचेस कंसिडरेशन गिनते हैं, फिर बताता हूँ आपको किस बेस पे परचेस कंसिडरेशन आएगा, 30,000 उसका नंबर ऑफ शेयर है, इसका 5,000 है, तो लेट स्टार्ट। रेशियो क्या है, 3:1, तो चलो देखो रेशियो है 3:1, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30,000 थे, तो 3:1 तो 30,000 के बदले में कितना, 30,000 × 1/3, इधर भी आंसर 10,000 ही आ रहा है, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो अमाउंट आएगा 1 लाख। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आपने परसेंटेज प्रीमियम ढूंढा, अभी हमें परसेंटेज नहीं ढूंढना है, अभी हमें क्या करना है, पर शेयर ढूंढना है। पर शेयर कैसे आएगा, देखो इसमें हमें प्रीमियम प्लस करना है, ₹2 का प्रीमियम था राइट, तो 10,000, ₹12 दिया था, तो 10 और 12 का डिफरेंस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20,000, तो आपका ये पर शेयर प्रीमियम है। परसेंटेज रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख का डायरेक्ट परसेंटेज ढूंढते हैं, पर शेयर रहेगा तो क्या करना है, 10,000 × जो भी रेट का प्रीमियम है मल्टीप्लाई करना है, तो 20,000, तो आपको इक्विटी का सेटलमेंट कितना मिलेगा, 1 लाख + 20 इज 1 लाख 20,000, तो 1 लाख 20,000 आपको मिलेगा, तो इक्विटी का सेटलमेंट हमको मिल रहा है 1 लाख 20,000। प्रेफरेंस का भी करता हूँ, देखो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, सिर्फ परसेंटेज बदलने वाले हम लोग, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स देंगे हम लोग कितने रुपीस का, 100 का, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 5 लाख, इस पे हमें प्रीमियम प्लस करना है, ₹50 का प्रीमियम है, 150 दिया था राइट है, तो 5,000 × 50 करेंगे हम, 5,000 × 50 करेंगे, 150 दिया था ना, तो 50 का प्रीमियम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2.5 लाख, तो 5 लाख और 2.5 लाख कितना होता है, 7,50,000, तो प्रेफरेंस का वैल्यू कितना आ रहा है, 7,50,000, तो ये 7,50,000 7,50,000 और 1,20,000, तो आपका परचेस कंसिडरेशन कितना आ रहा है, 8,70,000, तो दिस इज द कैलकुलेशन। पहले हमने क्या करना है, पहले हमें इक्विटी ढूंढना है, 3:1 का रेशियो दिया था, तो हमने 30,000 के बदले में कितना इस बेस पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिला 10,000, सो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय हमने 10 किया तो आंसर आया 1 लाख, उस पर हमने प्रीमियम प्लस किया था, प्रीमियम पर शेयर था ₹2 का, तो 10,000 × 2 किया तो 20,000 आया, तो 1 लाख + 20,000, तो ये आंसर मिल गया हमको 1,20,000। फिर प्रेफरेंस का किया, 5,000 × 100 आया, तो 5 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस जितना है उतना ही आएगा, बट 100 का 150 दिया था तो ₹50 का प्रीमियम था, 5,000 × 50, तो आ गया 2,50,000, तो टोटल प्रेफरेंस को सेटलमेंट है 7,50,000, तो 7,50,000 प्रेफरेंस का, 1,20,000 इक्विटी का, टोटल आएगा 8,70,000, तो आपका इस क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन बनेगा 8 लाख
70,000। ये दो ही लेवल है, एक परसेंटेज प्रीमियम है, एक पर शेयर प्रीमियम है। अगर नेट पेमेंट मेथड है तो यही दो लेवल्स के ऊपर एग्जाम में परचेस कंसिडरेशन का एडजस्टमेंट आएगा। इन दो लेवल्स को छोड़ के कोई भी एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आएगा ही नहीं। ये दो ही लेवल्स के बेसिस पे परचेस कंसिडरेशन पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट सिली मिस्टेक कहाँ कर सकते हैं? स्टूडेंट सिली मिस्टेक उसी में कर सकते हैं कि अमाउंट लेते वक्त न्यू कंपनी का ले लेंगे। वहाँ पे याद रखना है हमें परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त हमेशा ओल्ड कंपनी का अमाउंट लेना है, और परसेंटेज प्रीमियम और पर शेयर प्रीमियम, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा नेट असेट्स मेथड। काफ़ी इजी है, असेट्स में से हमें लाइबिलिटीज माइनस करना है। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, तो वो भी आप ध्यान में रखें ताकि आपका नेट असेट्स मेथड से रिलेटेड भी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल रिवैल्यूड फिगर्स फ्रॉम द एडजस्टमेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। सारे रिवैल्यूड फिगर्स जो एडजस्टमेंट में है वो हमें लेने हैं। बुक वैल्यू अगर है और एडजस्टमेंट में रिवैल्यूड फिगर है तो रिवैल्यूड लेना है, अदरवाइज बुक वैल्यू लेना है। अगर आपके एडजस्टमेंट में गुडविल दिया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गुडविल दिया रहता है एडजस्टमेंट में रिवैल्यूड फिगर, तो डोंट फॉरगेट टू राइट इन दी असेट्स। तो गुडविल आपको लिखना है वाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन, ये भी भूलना मत, वरना गुडविल छोड़ देंगे तो आपका परचेस कंसिडरेशन गलत हो जाएगा। फॉर लाइबिलिटीज इग्नोर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो असेट्स तो आप सारे लिखेंगे फिक्टिशियस असेट्स छोड़ के। फिक्टिशियस असेट्स मतलब प्रिलिमिनरी है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, वो नहीं लिखना है। लाइबिलिटीज लिखते वक्त आपको सारी लाइबिलिटीज लिखनी है, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं लिखना है और रिजर्व्स के पॉइंट्स नहीं लिखने, मतलब डिवेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इतनी सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। इसके पहले जो मैंने बेसिक चीज़ें अपलोड की है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सारे वीडियोस का मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और कल सिंस डे आफ्टर टुमारो यू आर हैविंग एग्जाम, तो कल आपको एक कॉम्पैक्ट वीडियो क्रिस्पी फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के बेसिक्स थोड़े थोड़े हम डिस्कस करेंगे, और क्या चीज़ें आपको पेपर के रिलेटेड ध्यान में रखनी है, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो एक लास्ट मिनट टिप्स मेरे तरफ से आपको दे दूंगा, सो दैट आपको सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है उसको एक ओवरऑल वे से किस तरीके पेपर में प्रेजेंट करें वो आपको पता चलेगा। सो सारे बेसिक अमलगमेशन के वीडियो मैंने डाले हैं ऑलरेडी, वो देखे। बेसिक जर्नल एंट्रीज का भी एक वीडियो डाला है न्यू कंपनी में, वो देखे। हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट के ऊपर एक वीडियो डाला है, वो देखे। थियरी क्वेश्चंस ऑफ सेमेस्टर 6 ऑलरेडी अपलोडेड, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स का भी थियरी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। कुछ MCQs आपके प्रैक्टिस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो है ऑलरेडी अपलोड किए हैं। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अपने बेसिस पे उनको जैसे भी आपको टाइम मिलेगा सारे वीडियोस को देखें, सो दैट आपको आपके प्रिपरेशंस में और थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और कल जो वीडियो आएगा ट्राई करूंगा कि इवनिंग तक आ जाए, ताकि आपका सब कुछ रिवीजन करके हो जाएगा, वो सब आपका पूरा रिवीजन होने के बाद वो वीडियो देखना, सो दैट आपको सारी चीज़ें एक नटशेल में पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स आपको परसों के पेपर में याद रखने हैं। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसे लास्ट मिनट वीडियोस लाते रहता हूँ। टिल देन, एज ऑलवेज, बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।